वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम जो है नंबर ऑफ सिस्टम का 8वां भाग जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हमने जो है 140 से 150 तक जो है इस वीडियो में हमने सम्मिलित किया है, और इस ये सारे क्वेश्चन को जो है हम एक डायग्राम के थ्रू जो है हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है कि 26 व्यक्तियों के समूह में 8 चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते, तथा 16 व्यक्ति चाय पीते हैं, उन व्यक्तियों की संख्या जो कॉफ़ी पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते होंगे। तो यहाँ पे हम दो डायग्राम बनाएंगे, एक जो है चाय और एक कॉफ़ी। ये हो गया टी, यानी टी माने चाय और सी मतलब कॉफ़ी। अब इसमें क्या कह रहा है कि 8 चाय पीते हैं, यानी यहाँ 8, और यहाँ भी चाय हुआ है, दिया हुआ है कि 16 व्यक्ति चाय पीते हैं, यानी चाय वाला में ही आएगा। यानी जब 16 व्यक्ति चाय पीते हैं तो 8 तो यहाँ दिया हुआ है, यानी ये वाला 8 जो है दोनों में सम्मिलित है, चाय और कॉफ़ी दोनों पीते होंगे। तो ये 8 और 8 16 हो गए। बाकी दिया हुआ है 16 टोटल जो है 16 व्यक्ति, यानी 8 8 16 है, 10 की कमी रह जा रही, यानी 10 जो है यहाँ हम रखेंगे तो टोटल 26 आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि उन व्यक्तियों की संख्या जो कॉफ़ी पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते, तो कॉफ़ी पीने वाले की संख्या देखिए कितना आ गया है, 10। तो 10 हमारा जो है क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी ये जो है केवल कॉफ़ी पी रहा है। अगर 8 की बात करते हैं तो 8 कॉफ़ी और चाय दोनों पी रहा है। तो हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो कॉफ़ी केवल पीते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक विद्यालय में 25 अध्यापक हैं जो गणित अथवा भौतिक, यानी दो डायग्राम बनाना है। एक डायग्राम बनाना है फिजिक्स का, यानी पी लिखते हैं, और एक गणित का जो मैथ कहते हैं। अब कहता है कि 25 अध्यापक हैं जो गणित अथवा भौतिक पढ़ाते हैं, उनमें 15 भौतिकी तथा 3 भौतिक एवं गणित दोनों पढ़ाते हैं, यानी यहाँ 3 जो है दोनों में इंक्लूड है, यानी 3 यहाँ पे रखेंगे। ये 3 भौतिक में भी इंक्लूड है और गणित में दोनों पढ़ाते हैं। बात करें हम यहाँ पे तो 15 भौतिकी दिया हुआ है, तो ये 3 पहले से है तो 12 और इंक्लूड करेंगे टोटल 15 आ जाएगा। तो भौतिकी में 15 हमें मालूम हो गया। अब टोटल अध्यापक कितने हैं, 25 है, तो 12 3 15, यानी मैथ में अगर हम 10 इंक्लूड करेंगे तो टोटल 25 हो जाएगा। करें कितने अध्यापक गणित में पढ़ाते हैं, अब देखिए यहाँ पे केवल गणित की बात नहीं कर रहा है, अगर केवल कहता तो राइट आंसर 10 होता, यहाँ खाली कह रहा है कितने अध्यापक गणित पढ़ाते हैं। तो ये 10 भी गणित में आ रहा है और 3 भी जो है गणित के डायग्राम में है, यानी टोटल जो है 13 जो है हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142। 25 छात्रों वाले क्लास में 12 के पास अर्थशास्त्र था और 8 ने अर्थशास्त्र लिया पर इतिहास नहीं लिया, तो अर्थशास्त्र और इतिहास लेने वाले की संख्या, यहाँ भी दो डायग्राम बनाना है, एक बनाना है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक को अर्थशास्त्र बोलते हैं, और दूसरा हिस्ट्री, हिस्ट्री को एच लिखते हैं। करे 12 के पास अर्थशास्त्र था तथा 8 ने, 12 के पास अर्थशास्त्र था और 8 ने अर्थशास्त्र लिया पर इतिहास नहीं लिया, यानी 8 ने अर्थशास्त्र लिया और यहाँ कह रहे 12 अर्थशास्त्र, यानी ये भी अर्थशास्त्र में आएगा। तो 8 पहले से दिया हुआ है, यानी अगर यहाँ में 4 इंक्लूड करें तो ये 12 हो जाएगा। तो
आठ जो है केवल अर्थशास्त्र आया और ये चार जो है हिस्ट्री में ही भी होगा। तो कह रहा है कि इतिहास लेने वालों की संख्या होगी तो टोटल 25 है, 8 4 12, कितने कमी हो रहा है 13 अगर जोड़ेंगे तो ये 25 आ जाएगा। यानी इतिहास लेने वालों की संख्या, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में केवल इतिहास नहीं है, यहाँ कह रहा है तो अर्थशास्त्र और इतिहास लेने वालों की संख्या, यानी वो अर्थशास्त्र में भी शामिल हो और इतिहास में भी, तो ये वाला जो भाग है दोनों में शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट 143। एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उनमें से 25 छात्र गणित पढ़ते हैं और 20 छात्र गणित रसायन दोनों पढ़ते हैं, तो केवल रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। दो डायग्राम बनाते हैं, एक डायग्राम हम मैथ वाले का और एक केमिस्ट्री वाले का। कहता है 20 छात्र गणित रसायन दोनों पढ़ाते हैं, 20 दोनों में इंक्लूड है, इसको बीच में रखेंगे, और 35 छात्र गणित पढ़ाते हैं, तो 20 तो दोनों में इंक्लूड है, यानी 15 छात्र और जोड़ देंगे तो ये 35 हो गया केवल मैथ में, और टोटल 60 है तो 20 से 15 35 हो गया, बाकी कितना बच रहा है 25, यानी 25 जो है केमिस्ट्री में हुआ। तो केवल रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी, तो केवल रसायन विज्ञान केवल 25 ही जो है जो केवल रसायन वाले डायग्राम में आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144। राजीव ने एक दिन एक किताब का 3/8 हिस्सा पढ़ा, बाकी किताब का 4/5 हिस्सा दूसरे दिन पढ़ा। अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए, तो यह बताएं किताब के कुल कितने पृष्ठ थे। अगर एक दिन किताब का 3/8 भाग पढ़ा, हम मान लेते हैं ये एक दिन 3/8 और दूसरे दिन 5, यानी 8 × 5 = 40 भाग मान लेते हैं, टोटल 40 भाग। 40 भाग में से 3/8 भाग पहल का दिन, तो 40 का 3/8 कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40, यानी 15 भाग पहल का दिन पढ़ाओ, बाकी किताब का 4/5 हिस्सा दूसरा दिन, बाकी किताब का 4/5 भाग, बाकी कितना रह गया 35 दूसरा, बाकी कितना 15 भाग तो पहल का दिन पड़ गया, बाकी बचा 40 में से 15 कटेंगे तो 35, अब 35 का 4/5 भाग दूसरे दिन 7 × 5 = 35, यानी 28 यूनिट दूसरे दिन। अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए, अब किताब के कितने पृष्ठ बच गए, यहाँ पे देख के कुछ गलती हुआ है कि अगर पहल का दिन जो है 15 यूनिट पढ़ा है, 40 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा 25 आएगा ना, 5 × 25 पंचों का 20 आएगा यहाँ, तो कह रहा है कि अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए हैं, यानी 40 पृष्ठ था, पहल का दिन 15 पढ़ा और दूसरा का दिन 20, यानी टोटल 35 यूनिट जो है 35 भाग पढ़ गया, बचा कितना 5, तो 5 भाग यानी 30 के बराबर होगा, तो 1 भाग जो है 5 × 30, टोटल कितना इकाई है 40 इकाई, टोटल पृष्ठ की संख्या है 40 × 6 यानी 240, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम एक पुस्तक का 3/8 भाग एक दिन में तथा 1/2 दूसरे दिन पढ़ता है। अब मान के चलिए 3/8 और 1/2 यानी दोनों कैल्शियम निकालेंगे तो 8 ही आएगा, यानी टोटल किताब का भाग जो है 8 यूनिट मान के चलते हैं। पहला दिन उसने एक पुस्तक का 3/8, नहीं इसका 3/8 कितना होगा, 3 होगा, यानी पहला दिन उसने 3 भाग पढ़ा। दूसरा दिन 1/2, किसका 1/2 तो 8 का 1/2, 8 का 1/2 होगा 4, यानी दूसरा दिन 4 भाग। यदि पुस्तक के 30 पृष्ठ पढ़े जाने शेष हो तो, टोटल 8 पृष्ठ था जिसमें 4 और 3 7 पृष्ठ पढ़ चुका है, तो कितना शेष बचेगा, 1 पृष्ठ, 1 पृष्ठ यानी 1 यूनिट बचा है पढ़ने के लिए, तो किसके बराबर, 30 के बराबर होगा। अब कुल पृष्ठ कितना हमने माना था, 8 यूनिट, तो 8 यूनिट बराबर 30 × 8 24, यानी 240 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, लड़कों का 1/3, लड़कों का 1/3 तथा लड़कियों का 1/5 क्रमशः रेखाचित्र तथा नृत्य योग्यता में भाग लिए। कुल विद्यार्थियों का 1/6 यानी 150 विद्यार्थी पिकनिक में भाग लिए। मान लीजिए लड़कों को हम x मानते हैं, यानी या लड़कों को b मानते हैं, यानी b का 1/3, और दूसरा क्या है लड़कियों का यानी गर्ल का 1/5 भाग लिया। कुल विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, यानी b प्लस जी दिया हुआ है कितना, 1/6, यानी टोटल कितना हो जाएगा, गुना करेंगे ना, तिरछा तिरछी, यानी 900 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है किसी एक का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, अगर बी का मान दिया होता तो हम हल कर सकते थे, लेकिन इसमें जो है ये दोनों में से किसी एक का मान दिया हुआ नहीं है, तो ये जो है क्वेश्चन जो है आंकड़े अपर्याप्त हैं, यानी इसका जो है प्रश्न का हल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, यहाँ भी कह रहा है कि एक संस्थान में अफसरों का 1/5 तथा सुपरवाइजरों का, अफसर का 1/5 ये हो गया प्लस सुपरवाइजर यानी एस का 1/2 भाग लेते हैं। यदि भाग लेने वाले अफसरों और सुपरवाइजर की कुल संख्या यानी अफसर प्लस सुपरवाइजर की संख्या दिया हुआ है 400, तो बताए उस संस्था में कितने अफसर और सुपरवाइजर हैं। तो ये हल तभी होगा जब किसी एक का मान दिया हुआ रहेगा, पर यहाँ पे किसी एक का मान दिया हुआ है ही नहीं, तो यहाँ भी आंकड़े आंकड़े जो है अपर्याप्त हैं, यानी यहाँ पे भी इसका हल नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं, कह रहे इतिहास में शेखर के 1/3, भूगोल शेखर के अंक का 1/3 भूगोल में उसके अंक के बराबर है, उस भूगोल में उसके अंक के बराबर है, यानी इतिहास के 1/3 भूगोल यानी ज्योग्राफी के बराबर है, और दोनों यानी इतिहास और ज्योग्राफी दोनों मिलाकर 160, तो हमें भूगोल में कितना अंक पाएगा, तो यहाँ पे ये जो है हल हो सकता है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h बराबर हमें मालूम हो जाएगा 3g, तो h का मान h 3g रखेंगे ना यहाँ पे, प्लस g बराबर हो जाएगा 160, यानी 4g बराबर 160 तो g बराबर 40, यानी भूगोल में कितना अंक पाया, 40 ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट 49, 149। यदि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, बाकी का 1/2 भाग पीला तथा बाकी 3.1/2 सेंटीमीटर नीला है, तो पेंसिल की कुल लंबाई। देखिए 1/8 भाग काला, 1/2 भाग नीला और बाकी पीला, यानी 8 2 2। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 8 ही आएगा, यानी टोटल हम पेंसिल की लंबाई 8 यूनिट मान लेंगे यूनिट में। अब काला कितना है भाई, काला ब्लैक, यानी कुल यूनिट का 1/8 8 ही होगा ना, इसका 1/8, इसका 1/8 एक होगा, एक यूनिट काला हो गया ब्लैक, बाकी पीला, पीला को येलो बोलते हैं, यानी 8 × 1/2 4 हो जाएगा, ठीक है, तथा बाकी। ये होगा ना, चार टोटल। अब करें ओ सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे कह रहा है कि 1/8 भाग काला है, यानी 1/8 यानी 1 भाग ब्लैक। अब शेष भाग कितना बचा, शेष बचा 7 ना, 8 एक भाग काला हुआ तो 7 यूनिट बचा। अब 7 यूनिट का 1/2 जो है पीला है, यानी येलो हो गया, 3.5 भाग करेंगे तो यही आएगा ना, येलो हो गया। अब येलो हो गया 3.5 तथा बाकी 3.1/2 सेंटीमीटर नीला है। अब ये तो हम घटाते जा रहे हैं ना, हमने 8 में से 1 घटाया तो 7 आया, अब 7 में से 3.5 आया पीला, तो 7 में से फिर 3.5 घटाएंगे तो 3.5 ही आएगा कितना, नीला यानी ब्लू। तो ब्लू का ये तो यूनिट में दिया हुआ है और बाकी यहाँ भी दिया हुआ है, 3 × 6 = 7/2, यानी ये भी 7/2 यानी 3.5 है और ये भी 3.5 है, यानी 1 यूनिट = 1। तो कुल लंबाई कितना, 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट = 8 यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 150 है, एक क्लास का 1/3 लड़के पिकनिक में महाबलेश्वर जाना चाहते हैं और 1/2 लड़के खंडाला जाना चाहते हैं तथा अन्य लड़के कहीं नहीं जाना चाहते। खंडाला जाने वाले लड़कों की संख्या नहीं घूमने वाले लड़कों की संख्या का से 10 अधिक है, यानी हम मान लेते ये हर है, इसका एलसीएम 6, यानी टोटल 6 भाग है, 6 भाग में से 1/3 महाबलेश्वर, महाबलेश्वर में कितना, 3 × 6 यानी 2 यूनिट, 2 यूनिट महाबलेश्वर में। अब 1/2 लड़के खंडाला में, खंडाला में कितना, 6 × 1/2 यानी 3 यूनिट खंडाला में। बाकी बचा कितना, शेष कितना बचा, 6 में से 3 और 2 5 तो घूम लिए, शेष बचा 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट नहीं घूमना चाहते हैं। अब कह रहे खंडाला जाने वाले लड़कों की संख्या, खंडाला जाने वाले लड़की संख्या 3 और नहीं घूमने वाले लड़कों की संख्या से 10 अधिक है, यानी नहीं घूमने वाले लड़की की संख्या कितना है, 1 और 1 से कितना, 10 अधिक है, तो ये यूनिट में है, तो ये एक जगह होगा तो 3 − 1, क्योंकि यूनिट जगह एक जगह करेंगे ना, तो 2 यूनिट = 10 तो 1 यूनिट = 5। तो कितने, तो बताएं महाबलेश्वर में कितने लड़के जाना चाहते हैं, 1 यूनिट = 5, तो महाबलेश्वर में कितने यूनिट
दो यूनिट गए थे, यानी 2 × 5 = 10। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।